श्रावस्ती जिला कब बना? सर 1997 में श्रावस्ती जिला का गठन किया गया था बहराइच जिले से काटकर, तत्पश्चात कुछ समय के लिए इसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। 2004 के बाद से इसको पुनः एक पृथक जिले के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किस मंडल के अंतर्गत आता है? सर देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। देवीपाटन मंडल में और कौन से जिले हैं? उसमें सर चार जिले आते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सर देवीपाटन में जो बलरामपुर जिले में पड़ता है, तुलसीपुर के पास। गोंडा में आपने क्या किया? एमए किया है? सर बी ए। कहाँ से किया आपने? सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसमें करंट क्या क्या कर रहे हैं? सर इसमें हम सहायक अध्यापक हैं, बेसिक शिक्षा परिषद। डाइट डाइट नहीं सर, अभी बचती है। अच्छा अच्छा राइट। तो ये बताइए अभी हाल में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को खत्म किया, ठीक है, इस पर आपकी क्या राय है? ये फैसला सरकार का सही था या सही नहीं था? सही था तो क्यों सही था, सही नहीं था तो क्यों नहीं था? सर कोई भी नीतिगत निर्णय ले जाते हैं तो उसकी उसका जो औचित्य है या सही गलत का निर्धारण हम नीतियों के क्रियान्वयन और उद्देश्यों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। हमारा 370 हमने इसलिए हटाया ताकि हम आतंकवाद अलगाववाद को समाप्त कर सकें और एक भावनात्मक एकता स्थापित कर सकें। अगर हम उद्देश्यों को प्राप्ति में सफल रहते हैं तो हमारे निर्णय पूरी तरीके से सही है। सरकारों ने अब तक जो प्रयास किए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनका प्रयास सही दिशा में नहीं था? सर सही दिशा में था बट सर लेकिन उसकी एक भौगोलिक विशिष्टता, एक सांस्कृतिक स्थिति की वजह से उसको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन कोई भी परिवर्तन समय सापेक्ष होते हैं और जैसे समय बदलता है उसमें परिवर्तन सर स्वाभाविक है। इसीलिए अब समय ऐसा महसूस किया सरकार ने जिसमें धारा 370 को हटाना देश हित में जरूरी था। सरकार ने ये महसूस किया या देश की जनता ने महसूस किया? और चूंकि सरकार देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए एक तरीके से जनता ने जो महसूस किया सरकार उसी की अभिव्यक्ति है। क्या इसकी पहले की जो सरकारें थी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि जनता ये महसूस कर रही है कि ये जो 370 है इसको हटाया जाना चाहिए? तब क्या उन्होंने, अगर जनता की सरकार है गवर्नमेंट आप दिल्कुल फार दिल्कुल भाई जो भी है, तो अगर सरकार जनता की है तो सरकार को महसूस पहले भी करना चाहिए और बड़े लंबे समय तक उस सरकार का अनुभव रहा है चीज़ों को परखने का समझने का। सर बिल्कुल सर, सरकार ने अनुभव जरूर किया होगा और उस समय सरकार का जो इंटेंशन रहा होगा या सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होगा कि हो सकता है कुछ सुरक्षा संबंधी चुनौतियां रही हों सरकार के समझ, इसलिए सरकार ने इसको नहीं हटाया। पहले सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा थी, आज सुरक्षा चुनौतियां? सर सुरक्षा चुनौतियां तो लगातार भारत के समझ विद्यमान है। आज मैं कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जी। सर पहले भी थी सर, आज भी पहले ज्यादा थी आज ज्यादा? सर आज भी सर है। वो में से एक ही बताइए आप, पहले जाते थे या आप जाते हैं? सर वर्तमान समय में जाते हैं। पहले जाते नहीं सर? ठीक सर, तुलनात्मक रूप से सर हमारी चीज को देखते हैं। तुलनात्मक मुझे तो ऐसा लगता है पहले जाते थे, अब कम उतना नहीं, क्योंकि सर अब आतंकवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है सर और साइबर आतंकवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मतलब मोबिलाइज किया जाना, इस तरीके से एक मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा रहा है वहाँ के लोगों को। इसलिए सर मुझे लगता है कि परंपरागत जो मतलब आतंकवाद था और वर्तमान समय में जो आतंकवाद था इसमें अंतर होने की वजह से सुरक्षा चुनौतियाँ वर्तमान में ज्यादा है। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे किया था? सर उसने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में ये बात रखी थी लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली तो उसने चाइना के माध्यम से
सुरक्षा समिति की विशेष बैठक में उस प्रस्ताव को रखा था, लेकिन वह एक गोपनीय बैठक थी और उसके विचार को सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। अमेरिका का क्या स्टैंड है इस बारे में? सर, अमेरिका इसको एक द्विपक्षीय मामला मानता है सर, जो भारत का विचार है। लेकिन बीच बीच में ट्रंप साहब कह भी देते हैं कि अगर दोनों लोग सहमत हो तो हम जो है मीडिएशन कर सकते हैं। हाँ सर, अगर हम दोनों लोग सहमत हैं तब। सर, भारत का एटीट्यूड सर स्पष्ट है क्योंकि शिमला समझौते के तहत हमने स्पष्ट किया है कि हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है और हम द्विपक्षीय रूप से ही इसका समाधान करते हैं। अभी दो तीन दिन पहले भी यूनाइटेड नेशंस में इसको लेकर के चर्चा हुई जी, तो भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया वहाँ पे? सर, भारत हमेशा से ये बोलता है कि द्विपक्षीय मुद्दा है और हम द्विपक्षीय स्तर पर ही समाधान करेंगे पाकिस्तान से बातचीत के दौरान, और भारत ने एक स्टैंड में एक थोड़ा सा और आया है कि अब हम बात कश्मीर पूरे कश्मीर पर न करके केवल पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पर करेंगे। अब पहले जबकि पाकिस्तान कहता था सर जिस कश्मीर को हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड सर पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं उसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, और सर जो हमारा कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर मानते हैं उसको भारत अधिकृत कश्मीर कहता है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अब जो बात होगी वो केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, शेष पूरे कश्मीर पर नहीं होगी। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम जो हमेशा से चली आ रही पॉलिसी है डिफेंस पॉलिसी, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। क्या किस बदलाव की ओर इशारा था उनका? सर, वो परमाणु हथियारों के संदर्भ में था क्योंकि पाकिस्तान बार बार एक गीदड़भभी देता रहता है कि हम परमाणु सक्षम राष्ट्र हैं और इसका नकारात्मक परिणाम पड़ सकता है क्षेत्रीय शांति पर, इसलिए कथन हमारे रक्षा मंत्री जी का ये नहीं। आक्रमण करने की पहल भारत नहीं करेगा, पहले ये था नो फर्स्ट यूज। अब वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम उसी पॉलिसी को फॉलो करें, अगर जरूरत पड़ी तो पहले भी आक्रमण कर सकते हैं। माफी चाहते हैं, नो फर्स्ट यूज का मतलब ये हुआ हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने जो उन्होंने ये कहा है कि हम उसमें बदलाव करेंगे, उसका मतलब ये है कि जैसी स्थिति आएगी उस हिसाब से कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि हम कर सकते हैं। लद्दाख में चीन के साथ क्या समस्या आ गई थी? सर, लद्दाख में जो पैंगोंग झील है और सर वहाँ दो जिले में ना, एक पैंगोंग और सोमबुरारी झील, चाइना मानता है कि ये मेरे क्षेत्र हैं, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, और पैंगोंग झील के कुछ भाग पर चाइना का आज भी अधिकार है सर, मतलब कब्जा है, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग के समय सैनिकों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ था जिसका मेन कारण सीमा अंकन न होना है। अच्छा, अगर आप देखते हैं भारत के नक्शे को, जम्मू कश्मीर का जो भाग है जी, वो तो गिलगित बाल्टिस्तान को भी दर्शा रहा है जी, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान भी क्या भारत ने लाने के लिए प्रयास करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर, हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम एक अखंड भारत, कश्मीर का एक भाग तो भारत के पास है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर आप देखते हैं, जब हरीश सिंह जी ने विलय किया था तो उसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी था। हाँ सर, और उसमें आप साइचिन भी है जी, तो इसमें सक्षम घाटी भी है जी, तो क्या अब हम पूरे के लिए दावेदारी करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल हम पूरे के लिए दावेदारी, और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि हम केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जितना पूरा गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है वो पूरा हम उस पर बात करेंगे और उसको अपने अधीन लाने का प्रयास करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ? सर, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में काराकोरम काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसमें पाकिस्तान के पास है कि चाइना के पास है कि भारत के पास? सर, सियाचिन ग्लेशियर के लगभग 80% भाग में भारत का कब्जा है, लेकिन कुछ थोड़े से एक दो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिस पर पाकिस्तान की सैनिक है। ग्लेशियर होते क्या है? सर, ग्लेशियर एक सतत हिमाच्छादित सतह होती है। क्या भारत में और भी है ग्लेशियर? हाँ सर, सर वाल्टोरो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, सियाचिन है ये सर। अच्छा, कभी इसके ससाई की भी चर्चा हो जाती है, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं जी, क्यों ऐसा होता है? सर, इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान की वजह से तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर भी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं,
ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता का भी विनाश होता है। तीसरी चीज उसमें कोल बेड आयरन होता है सर, उसके नीचे मीथेन की गैसें होती हैं सर, उसमें ट्रैप होती हैं बर्फ में। अगर बर्फ पिघलेगा तो मीथेन की गैसें उसमें रिलीज होंगी, अगर वो निकली तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और इसका फिर से नकारात्मक प्रभाव उसमें होगा पिघलन पर। सही होता है, इसका दो भागों में बंटवारा कर दिया गया, टूटी हो गया। तो जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें हैं लोकसभा की, लद्दाख के एमपी बहुत चर्चित रहे हैं सर, एक सीट है सर, सॉरी सर, एक सीट। अच्छा, और जम्मू कश्मीर में कितनी हैं लोकसभा की? सॉरी सर, विधानसभा कहाँ है, कहाँ रहेगी नई व्यवस्था के हिसाब से? लद्दाख में रहेगी सर, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लद्दाख की व्यवस्था चंडीगढ़ के समान है और जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है वो दिल्ली के समान है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 9 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य कितने हो गए सर? 28। उत्तर प्रदेश का भी क्या विभाजन नहीं सर होना चाहिए सर? सर ये तो अभी एक इनएक्टिव सूचना है, चर्चा है। उत्तर प्रदेश को जो है चार भागों में बांटा जा रहा है। सर अगर सरकार को लगता है कि प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हो रही है, और सर प्रशासनिक असुविधा के साथ एक श्री कृष्णा समिति भी बनाई गई थी जिसने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन में केवल प्रशासनिक चीजें न देखी जाए बल्कि उनकी आर्थिक संभाव्यता, उनकी पर्यावरणीय दशा, क्या अगर हम एक नया राज्य उनको बनाते हैं तो अपनी आर्थिक रूप से वो सक्षम होंगे अपने कार्य संचालन में, या पूरी तरीके से केंद्र पर ही निर्भर रहेंगे, उस चीज को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 371 क्या है सर? आर्टिकल 371 कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध करते हैं जिनका तात्कालिक उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से जो अविकसित राज्य थे उनको विशेष सुविधा प्रदान करना था। इसमें अधिकतर पूर्वोत्तर 11 राज्य हैं, जिसमें अधिकतर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। कुछ राज्य हमारे मुख्य भूमि के हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़। शिक्षा अधिकरण को लेकर के चर्चा हो रही है काफी दिन से, सर मेरा जो व्यक्तिगत विचार है और सर पूरे समाज के विचार में सर, आप अपना बताइए, समाज की बात छोड़िए, सिर्फ अपना बताइए। सर ये राज्य का निर्णय है और राज्य जन भावनाओं को समझ के ऐसा निर्णय लेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति का जो विजन होता है, जो नजरिया होता है, जो अपना दृष्टिकोण होता है, आप इस पूरे उत्तर प्रदेश को जब देख रहे हैं तो आप किस नजरिए से इसका मूल्यांकन करते हैं? क्या इसका विभाजन किया जाना चाहिए, यह इसके विकास के हित में होगा, या इसका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, या इसको दो भाव में किया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? आपकी भी तो अपनी कोई राय होगी। सर हम सोचते हैं कि विकास चीज तो नीतियों के क्रियान्वयन पर निर्भर है, अगर नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो इसका किया जाए सर। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप महसूस कर रहे हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप क्या मानते हैं? सर हम तो मान रहे हैं सर, नीतियों का क्रियान्वयन सरकार अच्छी तरीके से कर रही है। इसका तो आपके हिसाब से इसका विभाजन तो कोई जरूरी नहीं है, आप ये मानते हैं विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? आप यही कहना चाहते हैं सर? भी सरकार का सर मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ, तुम सरकार की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम समाज की बात करते हो। मैं भाई आप समाज का आप अपनी राय बताइए ना, आप समाज का प्रतिनिधित्व ना, आप MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, ऐसे इंडिविजुअल एक यूनिट आप हैं, लेकिन समाज में आपकी भूमिका ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं? आप समझे तमाम मॉडल भी हैं, ठीक है सर, विभाजन क्या है, क्या क्या कितना कितनी बात कितने कितने वो उसमें विभाजन किया, पार्ट्स कितने क्या होना चाहिए?
सर उसका मेन आधार सर आर्थिक विकास या आर्थिक असमानता को रखना चाहिए, जैसे सर जो एरिया ज्यादा पिछड़ा। आपको क्या लगता है कि कौन सा इलाका ऐसा है जिसका विकास जिसको सबसे पहले विभाजित करके विकास किया जाना चाहिए? सर सबसे पहले सर बुंदेलखंड और तराई बेल्ट का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास अभी तराई बेल्ट में है सर। अच्छा सर, तो मैंने महसूस भी किया। आप महसूस किया है, लेकिन आपने बहुत देर महसूस किया, हम काफ़ी देर से आपको महसूस कर रहे हैं, इतना देर करने लगा हैं। आपको भूख लगी या नहीं भूख लगी है ये बताने की 10 मिनट लगा दिया अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन देने में दर्द हो रहा है। तो विभाजन कैसे किया जाए, क्या संविधान संशोधन करना पड़ेगा? सर इसको एक सामान्य विधेयक माना जाता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है राज्यों को। नहीं, इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? सर इसका इनिशिएटिव केंद्र सरकार भी ले सकती है और राज्य सरकार भी ले सकती है। सर दोनों भी ले सकती है। बिना राज्य सरकार की सहमति केंद्र सरकार बंटवारा कर सकती है? हाँ सर बिल्कुल कर सकती है। कौन सा अधिकार है संविधान का? सर अनुच्छेद 2 और 3 में राज्य के विभाजन से लोकपाल की व्यवस्था कर दी गई, किसी अनुच्छेद के तहत भी सर लोकपाल की व्यवस्था है अनुच्छेद नहीं, ये संवैधानिक है या संविधानिक? सर ये संविधानिक है, एक वैधानिक सर ये एक वैधानिक व्यवस्था है, स्टैट्यूटरी वाली है सर, मतलब वैधानिक व्यवस्था है, एक विधि के द्वारा इसका प्रणयन किया गया। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो अध्यक्ष होगा जी उसकी भी क्या व्यवस्था है? सर इसका अध्यक्ष भूतपूर्व मतलब जज होना चाहिए सर, और अन्य सदस्यों सर अन्य सदस्य व्यवस्था की गई है जी। सर अन्य सदस्यों में कोई प्रख्यात विधिवेत्ता हो सकता है या कोई अर्थशास्त्र का जानकार हो सकता है या कोई एंथ्रोपोलॉजी का आपका सब्जेक्ट। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सर मानव विकास की सामान्यतः 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, असभ्य अवस्था, बर्बरा अवस्था और सभ्य अवस्था वर्तमान। मानव उत्पत्ति की, मानव उत्पत्ति नोवाडिक से लेकर के धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े? सर सांस्कृतिक रूप से सर ये 3 ही अवस्थाएं हैं सर मानव विकास की, सर सांस्कृतिक अवधारण ये 3 अवस्था मानती है सर। बस आप अध्यापक हैं, सिविल सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं? सर ये तो हमने सर अध्यापक के रूप में जो व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का प्रयोग हम प्रशासन में करना चाहते हैं। सर दूसरी चीज, जब हम फील्ड मतलब फील्ड में काम करें तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए एक पर्याप्त संसाधन होना चाहिए और शक्ति होनी चाहिए, उसको हम प्रशासन में आके बेहतर तरीके से उसका समाधान कर एक विकसित भारत का निर्माण। कौन सी समस्याएं हैं जो आपने अनुभव किया? सर सबसे बड़ी समस्या सर उन्हें अशिक्षा है सर, जहाँ पर हम मैं विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। अब आप सही जगह पे हैं, आपको क्यों लोहे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? सर क्योंकि अभी मेरा कार्य क्षेत्र केवल एक गांव है, अगर मैं सिविल सर्विसेज में आता हूं तो मेरा कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होगा और मैं फिर शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ कर सकता हूं। ये बताइए आप इस प्रोफेशन में बाई चॉइस आए हैं या बाई एक्सीडेंट आए हैं? सर चॉइस है, चॉइस। अगर आप जिंदगी में अपनी चॉइस की जगह पर पहुँच गए हैं तो इस प्रशासन में आके आपको ऐसा नहीं लगता कि कितना बड़ा नुकसान होगा इस देश का? नहीं सर, क्योंकि वो भी मेरा चॉइस था और ये भी मेरा। ये आपकी पहली पसंद क्या थी? सर मेरी पहली पसंद है डीएम। नहीं नहीं सर, प्रशासन की। ये इसमें आने के पहले आपने जीवन में का लक्ष्य क्या था? सर प्रशासन में आना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था सर। है या था? सर है भी और था भी। पहले आप टीचर नहीं बनना चाहते थे? नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि मेरी चॉइस, मैं अपनी चॉइस की जगह पाया हूँ। आदमी की जिंदगी में एक ही चॉइस होती है। सर हम समझ नहीं पाते सर क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं समझ पाया। लेकिन आपकी जो पहली पसंद थी, जो पहला प्यार आपका है वो प्रशासन है, ठीक है? अच्छा चलिए, लेकिन आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर शिक्षा में सर, हाँ सर शिक्षा में सर हमारा कार्य क्षेत्र व्यापक होगा तो हम और बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अभी हम केवल एक विद्यालय में ही कार्य कर पाएंगे सर, और फिर हम ना केवल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं हाँ। बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी हम सुदृढ़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखते हुए आप किंग मेकर की भूमिका में जाके अच्छा काम कर सकते हैं जी। कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंग या किंग मेकर? सर अपनी जगह पर दोनों महत्व। नहीं नहीं दोनों नहीं, मत एक ही आप बताएंगे, ड्यूल नहीं।
किसी सोसाइटी में किंग इम्पोर्टेंट या किंग मेकर इम्पोर्टेंट? सर किंग इम्पोर्टेंट। किंग इम्पोर्टेंट, किंग मेकर नहीं सर? कि हमारे समझते सर किंग इम्पोर्टेंट, किंग मेकर इम्पोर्टेंट नहीं है भाई यहाँ तो नहीं है। शिक्षा में जो रह करके नहीं हो पा रहा है ना, बहुत सारे ऐसे आपके पास जो है एग्जाम्पल्स है, शिक्षा से ही लोग राजनीति में आए और राजनीतिक बन करके बहुत बड़े व्यापक प्रणाली का सामना करें। इम्पोर्टेंट सर, चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त का निर्माण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जहाँ कई चाणक्यों का उत्पन्न हो सकता है सर। लेकिन हुआ तो नहीं सर, ये तो संभावनाएं हैं सर। नहीं तो वो तो चाणक्य के साथ भी है, अगर उसने एक चंद्रगुप्त बनाया तो और भी चंद्रगुप्त पैदा कर सकता है सर। चाणक्य नहीं हुआ जी, चाणक्य तो एक ही हुआ जी, उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया जी। और फिर इसी तरह से अरस्तु इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर? सर सबका अपनी अपनी जगह पे सर महत्व है, हर क्षेत्र का अपनी जगह पे सर महत्व है। सर आपको जो प्रशासन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन में आप ग्लैमर की वजह से आना चाहते हैं, मतलब कुछ करने की जो बात है, जो शिक्षा में जो मजा है वो इसमें नहीं हो सर, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनना चाहता था लेकिन भाई एक्सीडेंट में नहीं बन पाया, तो फिर वो मजबूरी में भाई। सर सबका अपना एप्टीट्यूड होता है सर, उसकी उसके अंदर कौन सी संभावना है वो कर सकता है। शायद मेरे अंदर संभावना है कि मैं प्रशासन का कार्य अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। आपको ऐसी संभावना दिख रही है? चलिए ठीक, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, पहले नंबर पर आपने क्या प्रेफरेंस दिया है? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की कोई पोस्ट है इसमें? डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपने पहला प्रेफरेंस दिया है, और आपकी पहली पोस्टिंग जो है डिप्टी कलेक्टर बना के आपको उसी सब डिवीजन में तैनात किया जाता है जहां आप प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक हैं जी, राइट। और अचानक आपके स्कूल में एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी महिला शिक्षक के साथ कोई दुर्व्यवहार की उसके प्रधान अध्यापक ने कर दिया जी, ठीक है, और आपको वो जांच मिल जाती है जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपके साथ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं उनको रिक्रूट किया है कि आप भी साथ जाइए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जो है उस प्रधानाध्यापक हैं उनका फेवर करना चाहते हैं, उनके दूर के रिश्तेदार भी हैं और उनकी जानकारी भी अच्छी उनसे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि उनकी रिपोर्ट का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपकी रिपोर्ट। सर हम निष्पक्षता के साथ देखेंगे, जो वास्तविक परिस्थितियाँ होंगी उसको होंगी। नहीं आप तो अपना देखेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं ये मैडम की गलती है, हेडमास्टर साहब की गलती नहीं है। सर दोनों पक्ष अपना बचाव पक्ष रखेंगे हाँ। लेकिन निर्णय तो हमको करना है, तो हम जो सही होगा उसमें हमको का मतलब है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरा आदमी जो है वो उसका पक्ष लेना चाहता है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हेडमास्टर। सर उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी सर? किसके खिलाफ? सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की। सर हम अगर सर हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं होगा तो हम उसकी शिकायत करेंगे, अगर कार्य क्षेत्र में है तो सर हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। नहीं आप कैसे कार्रवाई करेंगे एक बात बताइए, वो उसने उनका सपोर्ट किया और वो आप नए नए लगे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 20 साल की नौकरी उसकी हो गई, उसका पूरा अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल भी जी एफिलिएशन है जी, उसने तुरंत फ़ोन करा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, भाई वो हमारा आदमी है और जो आपका SDM है वो उसके साथ ठीक वो नहीं कर रहा है, SDM का इंटेंशन ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? सर DM भी कहता है कि गलती आपकी है। सर अगर हमारे पास DM फोन करता है कि आप ऐसा कार्य कीजिए तो हम सर DM से कहेंगे आप हमको लिखित रूप से दीजिए, लिखित आदेश दीजिए और फिर हम कार्य। कोई DM आपको कोई चीज़ लिखित रूप में देगा कि आप? सर अगर लिखित आदेश नहीं देगा तो फिर हम कानून सम्मत जो हमको उचित लगेगा हम करेंगे, और वो उठा के आपको सस्पेंड कर देता है इसलिए कि आप जो है इन सबॉर्डिनेशन कर रहे हैं, फिर आप सर सस्पेंड कर देता है तो फिर ये हमारे खिलाफ सर एक कार्यवाही है, बट हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर मुझे बहाल किया जाएगा सर। अच्छा बहाल भी कौन करेगा आपको? वही जिसने आपको मतलब सस्पेंड किया वो कैसे बहाल करेगा? वो जब तक उसका टेंडर होगा तो बहाल करेगा, तो फिर उसने सस्पेंड किया, जिसने सस्पेंड किया है वो कैसे बाहर करेगा? सर चार्ज लगा है आप? सर हम अपना पक्ष और उच्च अधिकारी के पास आपको कोई चीज लिखित रूप में देगा आप? सर अगर लिखित आदेश नहीं देगा तो फिर हम कानून सम्मत जो हमको उचित लगेगा हम करेंगे।
और वो उठा के आपको सस्पेंड कर देता है इसलिए कि आप जो है इन सबॉर्डिनेशन कर रहे हैं, फिर आप सर सस्पेंड कर देता है तो फिर ये हमारे खिलाफ सर एक कार्यवाही है, बट हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर मुझे बहाल किया जाएगा सर। अच्छा, बहाल भी कौन करेगा आपको? वही जिसने आपको मतलब सस्पेंड किया जी, वो कैसे बहाल करेगा? वो जब तक उसका टेंडर होगा तो बहाल करेगा, क्योंकि उसने सस्पेंड किया, जिसने सस्पेंड किया है वो कैसे बहाल करेगा? सर चार्ज लगाए सर, हम अपना पक्ष और उच्च अधिकारी के पास रखेंगे सर। अच्छा, लेकिन उच्च अधिकारी के पास जो आप पक्ष रखेंगे तो कैसे कैसे जाएंगे आप सर? अगर हमारे खिलाफ डीएम, बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, उच्च अधिकारी के पास आप जैसे उसने आपकी बात नहीं सुनी तो सीधे आप उच्च अधिकारी के पास चले जाएंगे? नहीं सर, अगर हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्य, आप बात समझने की कोशिश करिए, भाई डीएम ने आपको सस्पेंड कर दिया और वो आपको ये कह रहा है कि भाई आपकी सारी गलती है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप नए आदमी हैं, आप स्थिति को नहीं समझ पाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सीधे उसके बाद डीएम के बाद ऊपर कौन है? कमिश्नर है ना, तो आप कमिश्नर से मिलेंगे क्या करेंगे? सर कमिश्नर से मिलेंगे और सर हम कहेंगे कि हमारा पक्ष न्याय न्याय संगत तरीके से, उसके बाद सीधे आप कमिश्नर के पास चले जाएंगे? सर हम पहली चीज तो सर हम न्यायालय में जाएंगे सर। अच्छा, और सर हम कैट में जाएंगे सर, जो प्रशासनिक अधिकरण होगा हम वहाँ पे जाएंगे सर। नॉट जेंटलमैन, जब आपकी अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं अपनी बात को रखने के लिए कुछ अधिकारियों से मिलना चाहता हूँ। आप सीधे न कैट में जा सकते हैं न सीधे आपको मतलब कमिश्नर से मिल सकते हैं, दोनों के लिए आपको परमिशन की जरूरत, क्योंकि जब सारे चैनल आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब आप कैट में जा सकते हैं। रिमेंबर इट, ये नहीं कि डीएम ने आपकी बात वो कर दिया तो आप सीधे अपना फाइल उठाए और कमिश्नर के पास ले गए, क्योंकि डीएम वो कमिश्नर की क्यों नहीं है, तो वो पूछेगा आपने परमिशन लिया डीएम से वहाँ हमसे मिलने के लिए, देन फिर वहाँ से भी आपको एक लेटर इशू होगा कि आपने बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति लिया आप उनसे मिलने के लिए कैसे आए। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल, और नए आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और ये जो आप कह रहे हैं सीधे कोर्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल यही गलती एसडीएम बन जाते हैं तो भूल के मत करिएगा, बहुत मेल जोल करके ये नौकरी पूरी हो पाएगी। कोर्ट में ट्रिब्यूनल में जाने के बाद तो सारी उम्र जो है कोर्ट ट्रिब्यूनल में ही रह जाएगी। एसपी बन गए हैं और एसपी ने आपको किसी काम करने के लिए कहा, लेकिन उसी समय डीआईजी साहब ने आपको आदेश दिया कि नहीं आप किस काम को करें, आपने कहा कि नहीं, एसपी साहब ने कहा उन्होंने कहा नहीं आपको ये काम करना, अब ऐसी परिस्थिति में आप किस दर को मानेंगे? वो है डी आई जी, आप ऊपर ही एस पी, आपके नहीं डी एस पी, तब आप क्या करेंगे? सर हम एस पी की बात करें तो डी आई जी आपको सस्पेंड कर दे तो सर सस्पेंड का अधिकार सर एस पी सर हमारा उच्च अधिकारी सर एस पी है सर। एक बार और सोचिए सर, हम अच्छा ये सत्यवन जी जो प्रेरणा ऐप जो है उसका जो है प्राइमरी जो शिक्षक हैं स्कूल के वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? सर उसका कारण व्यवहारिक है सर, सर समस्या है कि उसमें एक टाइम स्लॉट है कि आप 7:30 से 8 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क की समस्या है, तो ये हो सकता है कि हम 7:30 से 8 के बीच में हम फोटो लिए लेकिन वो सर्वर पर अपलोड नहीं हो पाया, वहाँ पर सेंड नहीं हो पाया, तो दिन फिर हम अब्सेंट हो जाएंगे जबकि हम विद्यालय में उपस्थित भी रहेंगे। सर एक समस्या ये है। सर दूसरी समस्या है कि उन मतलब शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ गैर शैक्षणिक कार्य भी करने पड़ते हैं। सर जैसे 20 तारीख को उपस्थिति जमा करनी, 30 तारीख को एमडीएम प्रपत्र जमा करना, सर जूता मोजा बीआरसी से लेके आना, या फिर बीच बीच में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगते हैं, उन दौरान उस परिस्थिति में हम प्रेरणा पर अटेंडेंस कैसे देंगे? सर ये समस्या है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि गुजरात में मिशन विद्या एक चलाया गया था, तो उसमें ऐप का प्रयोग करके शिक्षकों और छात्रों जी दोनों की उपस्थिति में काफ़ी इजाफा कर दिया गया जी, तो वो वहाँ पे सफल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा इसका विरोध हो गया और कई जिलों में जैसे मसलन प्रयागराज में जो है अध्यापक जो संघ है उसकी कुछ मांगे हैं, तो आप बताएंगे कि गुजरात में क्यों सफल हो गया, यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं? और ये तो आपने एक पॉइंट बताया जी, और भी कुछ मांग कर रहे हैं अध्यापक की, आप ये
कुछ मान बताएंगे आप? सर मान करें कि हमको मतलब चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। हाँ, ईएल का भी कोई होता है सर? पुरानी पेंशन स्कीम का भी मान कर रहे हैं। और क्या मुद्दे? और ऐसा क्यों है कि गुजरात में सफल हो गया और यहाँ पे इसका विरोध हो रहा है? सर निश्चित रूप से व्यवहारिक समस्याओं का अगर समाधान कर दिया जाए तो सर यहाँ भी सफल होगा। सर ये जो व्यवहारिक समस्याएं सरकार इस पर विचार कर रही है और सर अगर ये व्यवहारिक समस्या समाप्त हो गई तो यहाँ पर भी सफल होगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में जो इनरोलमेंट है जी, वो कुछ स्कीमें जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बाद बढ़ी हैं? और अगर बढ़ी हैं तो जहाँ पढ़ा रहे हैं आपने क्या महसूस किया है? सर हमारे यहाँ तो बढ़िया है सर इनरोलमेंट। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा उनके माता पिता और संरक्षक एडमिशन करवा रहे हैं जी, और ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की आवक कम हुई है जी, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ रहा है जी, ऐसा है? सर कुछ स्कूलों में सर ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक सब ज्ञान आधारित कौशल का जिक्र है नहीं? ज्ञान आधारित कौशल मतलब बचपन से ही स्किल स्किल जिसमें बहुत जोर, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो जैसे डब्ल्यू उन्हों पढ़ाया जाता है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से, हिंदी के भी उनको तमाम चीज़ें जो बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए तो जिससे स्किल उनके अंदर आए, फिर और जैसे जैसे बड़े होते जाएं वो स्किल जो है उनमें पढ़ाई जाए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होता है। आप जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं एमडीएम जो है वो ये कहते हैं कि बच्चों के हिस्से का है लेकिन वो बड़ों के हिस्से में ज़्यादा जा रहा है, क्या सही बात है? सर ये किसी एक विद्यालय में हो सकता है पर सार्वजनिक मतलब सर सार्वभौमिक रूप से हम तो इसे नहीं कह सकते। सार्वभौम तो इस दुनिया में कोई नहीं सकते कि वो सर एक विद्यालय में हो सकता है कोई स्वार्थवश ऐसा कर रहा हो सर, मतलब जो बच्चों के लिए आता है वो सिर्फ बच्चों को ही दिया जाता है, उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है आपकी समझ से? यस सर। मुझे तो ऐसा लगता है इसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे अपने इलाके में भी 4-6 स्कूल हैं जो मेरे नोटिस में है, लेकिन जो खपत है वो बायोमेट्रिक नहीं हो रही है ना सर। ये एक जो विद्यालय में सर हो सकता है ऐसा, बट सर ऐसा हर जगह नहीं, आप वाले में तो नहीं होगा, क्योंकि आप हैं तो मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, आई एम वेरी श्योर। लेकिन बाकी के बारे में आपने कुछ सुना होगा कहीं से? सर ऐसी घटनाएं आती रहती हैं सर, अभी सोनभद्र में भी ऐसी घटना है सर, मिर्जापुर में सर ऐसी घटनाएं आई है हमारे सामने सर, ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, बट ये सर हर जगह लागू नहीं। मैंने ये कब कहा हर जगह लागू? मैं कुछ खुद ही कह रहा हूँ आप वाले में लागू नहीं है जी, लेकिन है ऐसा ना? हाँ सर कुछ सूचना है सर, ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं। आपने कोई ऐसा आपका कोई जानकार भी ऐसा बताता है कि ऐसा हो रहा है? सर हमारे बच्चों से आपको कोई जानकार ऐसा नहीं जो आपको बता रहा है जी? कोई नहीं, फिर तो मैं आपको टीचिंग में देते मतलब बढ़िया सुटेबल है, क्योंकि वही ये एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लोर। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य? सर पहले ये कर्तव्य था बट 86वें संविधान हाँ सर कर्तव्य है जी कि मौलिक अधिकार है? सर हम जब 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात करते हैं, सर जब हम 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात करते हैं तो पहले सर एक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद इसको अधिकार में शामिल किया गया और सर नहीं सर है सर उसमें मौलिक कर्तव्य माता पिता के लिए जोड़ा गया है सर, कि हम 14 से जो ऊपर के हमारे वो हैं उनके लिए भी हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और मौलिक अधिकार सर मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया गया है। ये किस अनुच्छेद में? सर अनुच्छेद 21(1) है सर, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आपके अनुसार प्राइमरी स्कूल की क्या प्रमुख समस्याएं जो आप व्यवहारिक आपने अनुभव किए? सर ड्रॉप आउट रेशियो सर सबसे और भी
सर एक शिक्षक नहीं है सर प्रॉपर, एक विद्यालय में 5 क्लासेज हैं लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 ऐसे शिक्षक हैं सर। एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी चाहिए? सर 30 विद्यार्थी प्राइमरी में चाहिए सर, 30 विद्यार्थी। अच्छा, तो उसका कक्ष की का मानक भी तो तय होगा कितनी लंबाई और चौड़ाई? हाँ सर, सर अभी कायक सर मानक सर कक्ष की मानक सर नहीं है। क्या क्या चीजें सही होगा, कितने बच्चे एक साथ एक क्लास में रह सकते हैं सर, और क्या क्या होना चाहिए उस विद्यालय में? सर एक लर्निंग कॉर्नर है, एक रूम हो उसमें लर्निंग कॉर्नर हो, बोर्ड मतलब ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड इस तरीके की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आपने अपने स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं की? हाँ सर, हमारे सर हमारे यहाँ जो इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान से एक कंपोजिट ग्रांट आता है, उसके उससे जो पैसा मिला हमने उससे व्यवस्था की। अच्छा, क्या रसोई घर की व्यवस्था है? हाँ सर, सर अभी कायाकल्प योजना के तहत बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सर स्कूलों में। पीने का पानी है? हाँ सर, टॉयलेट्स टाइल्स भी लग रही है विद्यालय में। फिल्टर्ड पानी है आपके स्कूल? सर फिल्टर सर, कुछ विद्यालयों में आर डी एम जो बनता है आपने उसको खाना खाया सर? हम पर डे उसका खाना सर, पर डे में खाना, पर डे खाते हैं सर। उसमें दो है, एक आप खाते हैं? हाँ सर। सर खाते हैं आप? सर हमको अच्छा लगता है सर बच्चों के साथ बैठे, सर बच्चों के साथ खाना मुझे अच्छा। आप नहीं तो मैं तो बच्चों के लिए, वो क्या बच्चों के लिए सर? उसमें सर हमारे लिए नहीं सर उसमें, लेकिन दो प्रावधान है सर। एक है कि एक मातृ समूह या कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला जिसका कोई बच्चा पढ़ रहा हो विद्यालय में वो भोजन चखे, और एक कोई अन्य चखे, वो शिक्षक हो सकता है या रसोईया हो सकता है, हम उस अधिकार के तहत भोजन चखते हैं। वो तो देखो तुमने बड़ी समझदारी से टर्म ले लिया है, यू आर टेकिंग वेरी शार्प टर्म, चखना और खाना दोनों दो चीजें ये तुम बोल रहे हो। तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में तुम की बोल तो बढ़िया खिला लोगे, इससे कोई संदेह नहीं। चिंतन करा कि हम प्रतिदिन खाते हैं, फिर आप कह रहे हैं चखते हैं सर, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने टीचर आपके यहाँ हैं? सर हमारे यहाँ बस हम हैं और एक शिक्षा मित्र है सर। दो बच्चे कितने? सर बच्चे सर 65। तो दोनों लोग खाना खाते हैं? सर एक लोग कोई चखता है सर, कोई एक खाना चखता है चाहे हम नहीं। तू चखने की बात मत करो, इतना तो हम समझ ही रहे हैं यार कि तुम अब दो ही आदमी हो तो खाना खाया ही जाता है, इतना तो बनता है। अगर 5 आदमी का खाना बनता है तो घरों में 7-8 आदमी खा लेते हैं जी, इतने बच्चों का भी मन रहा है तो उसमें तो ठीक देखा रेस्ट जाने से तो बढ़िया जी कि खा लिया जाए बजाय चखने के, क्या नुकसान हो सकता है? ये बढ़िया भोजन बनाने वाले का वेतन तो इसमें बढ़ गया है। अब कितना हो गया सर? 1500। 1500 हो गया। और जो चार्ट आप बनाते हैं किस दिन क्या खाना बनाना होगा? मेनू सर, मेनू तो वो कैसे है आपके? एक ही चीज़ आप मेनू बनाते हैं कि अलग अलग बनाते हैं? सर मेनू के अनुसार हम खाना बनाते हैं। एक चीज़ तो वो कि ये मेनू नहीं है, इट इज़ नॉट ए वर्ड मेनू, मेनू एक लड़की का नाम है, ये मेन्यू होता है, ठीक है ना? कैन यू टेक केयर? तो क्या क्या है इसका? सर सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को तहरी और दूध, सर सोमवार को फल भी है सर, सॉरी बुधवार को तहरी और दूध। क्या किसी दिन रोटी चावल सब्जी एक साथ नहीं मिलेगा? हाँ सर। स्टूडेंट कितना अलॉटेड है? सर 100 ग्राम खाद्यान्न अलॉटेड सर। अगर चावल बन जाए तो सब्जी सरकार सप्लाई करती है कि पैसा मिलता है आपको? सर एक सब्जी के लिए 4.48 रुपया मिलता है पर स्टूडेंट। 4.4 तो है उसमें या तो 5 हो या तो 4 हो। अगर 10 बच्चे हैं तो कितना मिला? सर 10 बच्चे हैं तो 40.4 करेंगे तो लगभग 44 रुपये के आसपास आएगा सर। ठीक है, इट्स बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत शानदार आपने अपनी पारी खेली और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।